कहते हैं अच्छे कर्मों का फल भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। ये तस्वीरें इस बात को चरितार्थ करती हैं। 4 साल की उम्र से अपने हुनर को तरासते हुए 60 साल तक का सफर तय किया। कई बार अनेक मंचों पर निहुनो सोरही को सम्मानित किया गया, लेकिन इस बार उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। निहुनो सोरही ये नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं। नागालैंड की निहुनो ने कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो सराहनीय है। मैं तो लेखा पूरा नहीं है, लेकिन बार बार एग्जीबिशन जाता है इंडिया में, इसलिए हिंदी अच्छा लगता है। मैं भी भारत का हूँ तो हिंदी बोलना पड़ेगा तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा मैं हम लोग को पीएम मोदी के साथ भी हिंदी से बात किया, ऐसे इंटरेस्ट होता है। हिंदी से बात करना पसंद होता है, लेकिन गलती तो होता है, लेकिन ऐसे बोलता है हिंदी अच्छा लगा। 60 वर्षीय बुनकर के खाते में कई पुरस्कार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में 120 से अधिक प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में हिस्सा लिया है। निहुनो सोरही अपने परिवार के साथ कोहिमा में रहती हैं। उन्होंने 300 से अधिक युवा नागा महिलाओं को कला के रूप में सलाह और प्रशिक्षण दिया है। मैं सिर्फ वेविंग नहीं है, लोइनलूम कला नहीं है, लेकिन बीट्स वर्क, नीटिंग, ड्राई फ्लावर वो पूरा सीखता है। मोर देन 300 से ज़्यादा सीख लिया। आपने कितने एग्जीबिशन में अभी तक पार्टिसिपेट किया अपने कैरियर में? कम से कम 125 नहीं क्या? 120 से ज़्यादा? हाँ हाँ। इंडिया के बाहर भी कभी किसी एग्जीबिशन में या तो पार्टिसिपेट? हाँ हाँ, गया था मैं फन फॉर जर्मनी, उसी में भी गया हूँ। फिर म्यांमार यांगून में भी गया, थाईलैंड में भी गया और पेरिस में भी गया। हालांकि इतना आसान नहीं रहा कलाकार का सफर। बचपन से ही संभाल रही हैं अपने परिवार की जिम्मेदारी। 1963 में जन्मी सोरही कोहिमा जिले में रहने वाले अंगामी समुदाय से हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी माँ से बुनाई की कला सीखी और वो 6 साल की उम्र में कपड़े बुनना सीख चुकी थी, जो कि उस समय में एक बड़ी उपलब्धि थी। तब यह नागा महिलाओं का मुख्य व्यवसाय भी हुआ करता था। मेरा मम्मी ने बोला, आप फैमिली में अकेला हो तो आप बड़ा भाई लोग का के लिए कपड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए हम शुरू किया। 4 ईयर्स से मम्मी के पास थोड़ा सूता ऐसे काम करते करते अभी तो होया। कितने दिनों से ये काम पे आप लगे हुए हैं? मैं 4 साल से स्टार्ट हो गया मेरा मम्मी के साथ। उसी टाइम में तो वेव नहीं करता है, लेकिन सूता मिलता है, सूता काम करता है, इसे अभी तो हो गया। कितने साल हो गए लगभग? बहुत साल हो गया, अब तो 60 साल हो रहा है। निहुनो सोरही बताती हैं कि लोकल फॉर वोकल के मोटो के साथ इंडियन कल्चर को आगे ले जाना उनका उद्देश्य है। नागालैंड की ये पारंपरिक कला जिंदा रहे, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है। यह कला धीरे धीरे गायब हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अगली पीढ़ी को यह कौशल सिखाने के मिशन पर हैं, जो उन्होंने अपने युवावस्था में सीखा था।